हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 16 कुछ सामान्य रोग भाग 3 के बारे में जानेंगे। कुछ बहुत सारे रोग हम पहले भी भागों में पढ़ चुके हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे पेचिस, या जिसे अमीबियासिस भी कहा जाता है। तो कई बार पेट में मरोड़ होती है, ऐंठन होता है, उससे पेट दर्द होने लगता है और लगातार दस्त होने लगती है। तो इसे ही पेचिस के लक्षण के रूप में हम जानते हैं। इसके फैलने का जो मुख्य कारण है वो दूषित भोजन है या दूषित जल होता है। ये जो बीमारी है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो प्रोटोजोआ है इसके द्वारा होती है, और ये मनुष्य के बड़ी आंत का परजीवी होता है, जो कि आंत की जीवित कोशिकाओं एवं जो ऊतक होते हैं उसको भोजन के रूप में प्रयोग करता है और एक विषैला और हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करता है। इससे जो ऊतक होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं और आंत की जो आंतरिक झिल्लियाँ होती हैं वहाँ तक ये पहुँच कर छाले का रूप ले लेते हैं या नासूर बन जाता है। इसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है और इस रोग की जो वाहक होती हैं वो मक्खियाँ होती हैं। अमीबियासिस या पेचिस के जो लक्षण हैं, सबसे पहला लक्षण है पेट दर्द होना, ऐंठन के साथ, मरोड़ के साथ पेट में दर्द होता है, लगातार दस्त बना रहता है और कई बार मल के साथ श्लेष्मा या आव भी आने लगती है। और चूंकि इसमें आंत की जो ऊतक है, कोशिकाएं हैं, वो नष्ट होती हैं, घाव बन जाता है वहाँ पर, तो हल्का ज्वर भी रहता है शरीर में। यह रोग शीघ्र दूर नहीं होता है, कभी कभी यह वर्षों तक बना रहता है। यानी सावधानी नहीं रखते हैं तो इस रोग के होने की संभावना या तीव्रता बनी रहती है, बढ़ जाती है। तो ये जो रोगाणु होते हैं वो आंत की झिल्ली से हृदय और तिल्ली तक पहुंचकर वहां भी घाव बना सकते हैं। तो सामान्यतः जो ये रोग है वो 2, 3 या 4, 5 दिनों तक रहता है, और एक बार ये रोग यदि हो जाता है तो बार बार यदि हम इससे बचना है हमें तो सावधानी रखना चाहिए, नहीं तो ये इस रोग का जो प्रकोप है वो बढ़ता रहता है। अतिसार या डायरिया। डायरिया जो रोग है ये एस्चेरिचिया कोलाई या साल्मोनेला या जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है इसके द्वारा होता है। ये जो रोग है वो दूषित भोजन से या जल से होता है, और दूषित भोजन और जल को जब हम ग्रहण करते हैं तो आंत में संक्रमण हो सकता है, इस प्रकार ये रोग फैलता है। इसमें लक्षण में भी आप देखिए, पेट में ऐंठन होती, मरोड़ होती है, उसके साथ दर्द होने लगता है, लगातार पतले दस्त होते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, उल्टी होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, प्यास लगती है। तो काफ़ी सारे ऐसे लक्षण हैं जो शरीर को कमज़ोर बना देती हैं। तो वजन में कमी हो जाती है, नाड़ी मंद चलने लगती है और इस कारण से लंबी लंबी और तेज़ सांसें चलने लगती हैं, तो आंखें धसी हुई रहती है, सिकुड़ी नाक, जीभ और गाल का भीतरी भाग सूख जाता है क्योंकि प्यास लगने लगती बार बार, मूत्र कम आता है, कई बार नहीं भी आता है, और पीला होने लगता है क्योंकि शरीर में जल की कमी हो जाती है। चूँकि दस्त बार बार होता रहता है तो शरीर से जल का निष्कासन होने लगता है। जब शरीर से लगातार जल का निष्कासन होने लगता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। अतिसार से बचने के कुछ उपाय हैं। जैसे हमारे शरीर में जल की कमी हो रही है तो इस कमी को दूर करने के लिए हम नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू की शिकंजी ले सकते हैं, नमकीन लस्सी ले सकते हैं, चावल का माड़ ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, हल्की चाय ले सकते हैं। तो इन सब का यदि हम लगातार सेवन करते हैं तो शरीर में होने वाली जो जल की कमी है उससे बच सकते हैं। दस्त से बचाव का एक बहुत अच्छा उपाय होता है ORS घोल को लगातार पीते रहना, क्योंकि दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो एक छोटा पैकेट जो ORS का घोल होता है उसे पानी में मिलाकर हम पिला सकते हैं, छोटे बच्चों को भी या बड़े भी पी सकते हैं। तो 2 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आधा ग्लास ORS घोल देना चाहिए, और 2 साल से जो बड़े बच्चे हैं उसको हम 1 गिलास ORS घोल पिला सकते हैं आसानी से। तो एक पैकेट जो ORS घोल होता है उसे हम 1 लीटर जल में घोल सकते हैं, और घर में भी ORS घोल बना सकते हैं नमक, शक्कर एवं नींबू के द्वारा, जो हमने पिछले भाग में सीखा था कि किस प्रकार घर में भी ORS घोल तैयार किया जा सकता है।
दस्त का निदान कैसे होता है, क्योंकि दस्त किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी सूक्ष्म जीव के प्रवेश होने के कारण हो सकता है या किसी दूसरी बीमारी के जो लक्षण के रूप में भी ये उभर के आते हैं। तो वास्तव में दस्त को पहचानने के लिए रक्त की जांच करना बहुत आवश्यक है, जिससे ये पता चल सके ये किस प्रकार के सूक्ष्म जीव द्वारा हुआ है। मल परीक्षण के द्वारा भी हम इसका पता कर सकते हैं कि यह किस प्रकार के कीटाणु से या परोपजीवी के द्वारा हुआ है। दस्त का इलाज, तो दस्त का इलाज करने के लिए जैसा कि हमने देखा कि लगातार तरल पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी की घूंट लेते रहना चाहिए, जिससे जल की कमी ना हो, क्योंकि जल की कमी यदि हो जाती है तो जो रोगी है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसे पदार्थ जिसमें कि पानी है, नमक है, शक्कर है, और उसको हम लगातार लेते रहें, ग्रहण करते रहें, तो मिक्स्ड फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्लेवर्ड सोडा ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, जिससे जो शरीर में जल की कमी की पूर्ति लगातार होती रहती है। दस्त की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ों को तो हम अपने डेली रूटीन में अपना कर इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहला, आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, बार बार साबुन से हाथ धोना। तो बच्चों, इस एक गुण को अपनाकर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास कौन से सूक्ष्म जीव हैं हम नहीं जानते हैं, तो हम बार बार हाथ को धोते रहेंगे तो सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आप प्रयास करिए कि जब कभी भी आपके घर में कोई भी खाना बनाते हैं तो उनको भी आप समझाइए कि खाना बनाने के पहले, खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद, कंचे मांस होते हैं उसको छूने के बाद, किसी जानवर को छूने के बाद, शौचालय से आने के बाद, छींकने खांसने के बाद, यदि हम हाथ को मुंह में रखकर खांसते हैं, छींकते हैं, तो उससे भी संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए हाथ को बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम 20 सेकेंड तक लगातार अपने हाथ को, उंगलियों को धोते रहें। दस्त की रोकथाम का एक बहुत अच्छा उपाय है जिसे हम अपना सकते हैं कि हमें ताज़ा भोजन ग्रहण करना चाहिए, और जब कभी भी भोजन बच जाता है तो उसे तुरंत ही फ्रिज में रख देना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि यदि हम खुला भोजन छोड़ देते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने लगता है, तो धीरे धीरे उसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। खाना बनाने की जो जगह होती है घर में, आप भी देखिए बच्चों कि आपके घर में जो खाना बनाने की जगह है वो साफ़ सुथरी है या नहीं। उसका साफ़ सुथरा रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खाना बनाते समय भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश कर सकते हैं जो हमारे खाने को दूषित कर सकते हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए, दस्त है हो या डायरिया हो, उससे बचने के लिए कि पानी को लगातार उबाल कर पिए, पानी को लगातार उबाल कर और उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके पीना चाहिए। बर्तन जो भी हम घर में धोते हैं उसमें बहुत अच्छे से सफाई होनी चाहिए, गंदगी उसके अंदर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वह भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। हम जब घर में जल को ऐसे स्टोर करके रखते हैं, जैसे घड़े में रखे हैं या फिर किसी भी पीने के पानी के बर्तन में रखते हैं, तो उसे ढककर रखना चाहिए। और जल को निकालते समय भी देखिए, हाथ से नहीं निकाल रहे हैं, जल को निकालते समय एक जल निकालने का जो पात्र है उसका प्रयोग किया गया है, जिससे हमारा हाथ जो है उस घड़े के अंदर नहीं डूबता है। तो क्योंकि हाथ बाहर से जब अंदर प्रवेश करता है तो हमारे हाथ में ज़रूर कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीव होंगे जो उस पूरे पानी को दूषित कर सकते हैं। तो आप भी ये प्रयास करिए कि घर में जब भी आप घड़े से पानी निकालें तो इस तरह से एक दूसरे लंबी डंडी वाले बर्तन का प्रयोग करके पानी को निकालें। उल्टी और दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है, इसे दूर करने के लिए ORS घोल लगातार पीते रहना चाहिए। तो शरीर में इससे नमक की कमी की पूर्ति हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी, उल्टी दस्त धीरे धीरे कम होने लगता है। और ORS घोल की एक बहुत अच्छी विशेषता ये है कि ये जल की कमी को दूर करता है और दस्त को जल्दी से जल्दी ठीक करता है। पेचिस एवं डायरिया से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, तो जो मुख्य आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बार बार साबुन से हाथ धोना। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या करने के बाद हमें अपने हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शौच से आने के बाद हमें हाथ बहुत अच्छी तरह धोना चाहिए।
कई बार छोटे बच्चों का मल साफ करती हैं माएँ, तो उनको भी प्रयास करना चाहिए कि उनके मल साफ करने के बाद भी हाथ अच्छी तरह से धो लें। किसी भी कूड़ा करकट या जानवर को छूने के बाद भी हाथ की सफाई करनी चाहिए साबुन से लगातार। खाना खाने के पहले हमें हाथ अच्छे तरह से धोना चाहिए, खाना पकाने के पहले भी हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। बच्चों को खिलाया जाता है तो जो खिलाते हैं उसको भी अपना हाथ अच्छी तरह से धोकर ही बच्चों को भोजन देना चाहिए। अब हम जानेंगे सर्दी जुकाम। तो ये बहुत ही सामान्य शब्द है जो आप हर बार सुनते हैं। कई बार शीत ऋतु में इस बीमारी से कई लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक संक्रामक बीमारी होती है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति तक ये रोगी व्यक्ति के माध्यम से पहुंच सकता है। तो ये जो सर्दी है यह एक विषाणुजन्य संक्रामक बीमारी होती है जो राइनो वायरस के द्वारा भी होती है, और इसमें जो श्वास नलिका होती है उसकी जो श्लेष्मा झिल्ली है वह वायरस के द्वारा संक्रमित हो जाती है। और कभी कभी कुछ दूसरे भी वायरस होते हैं जिससे सर्दी जुकाम हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है या बुखार भी आ सकता है। तो इस रोग को फ्लू या इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। सर्दी के जो रोगाणु होते हैं वो रोगी के छींकने या खांसने से निकलने वाले जो जल के कण होते हैं उसके द्वारा एक रोगी व्यक्ति के शरीर से एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचता है। सर्दी जुकाम से बचने के लिए सबसे कुछ उपाय हैं जो हमें अपनाना चाहिए कि जो रोगी व्यक्ति रुमाल तौलिया प्रयोग करते हैं उसमें संक्रमण हो जाता है उनका, तो उसको ना हो इसलिए हमें रोगी व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्दी के जो कुछ लक्षण हैं आप देखिए, बार बार छींक का आना, नाक से जल का स्राव लगातार होते रहना या जिसे हम नाक बहना कहते हैं, और बार बार यदि नाक बहती है और छींकते रहते हैं तो नाक लाल हो जाती है, सूजन हो जाता है, जलन होने लगता है और नाक बंद होने लगता है। तो इन सभी कारणों से हम देखते हैं कि सर्दी जुकाम बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। हल्का बुखार भी आने लगता है, सिर एवं पूरे शरीर में दर्द हो जाता है, और कई बार हम देखते हैं कि नाक और गले में खराश है और उससे बार बार खांसी आने लगती है। सर्दी जुकाम से बचने का बहुत अच्छा एक उपाय है कि रोगी व्यक्ति द्वारा जो प्रयोग की गई वस्तुएँ होती हैं जैसे उनका रुमाल है, तौलिया है, कपड़े हैं, तो उसका प्रयोग किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को उनकी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर्दी के जो रोगी होते हैं वो छींकते समय या खांसते समय रुमाल या साफ़ कपड़े या हाथ से अपने नाक को और मुंह को ढक कर रखें, ऐसा प्रयास करना चाहिए, या खांसते समय टिश्यू पेपर का प्रयोग भी कर सकते हैं। रोगी के जो रुमाल हैं, कपड़े हैं या रोगी का जो बिस्तर है उसमें बिछाने वाली चादरें हैं, इन सब चीज़ों को धोने के लिए डेटॉल का प्रयोग करना चाहिए, और इसे संक्रमण रहित बनाने के लिए इसे तेज धूप में भी सुखा देना चाहिए। अब हम जानेंगे रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज़ जो बीमारी है वो बहुत ही भयानक बीमारी होती है जो मनुष्य में पशुओं के काटने से, विशेषकर जो रेबीज़ वायरस से जो संक्रमित कुत्ते होते हैं उनके काटने से मनुष्य को यह भयानक बीमारी हो सकती है। यह बीमारी जो है वो 1 से 3 माह तक दिखाई नहीं देती है, यानी जब हमें रेबीज़ के लक्षण हैं हमारे शरीर के अंदर अगर मान लीजिए, तो वो 1 से 3 माह तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर व्यक्ति को अति उत्तेजक बना देती है। जब कोई रेबीज़ विषाणु से संक्रमित पशु हैं जैसे कि कुत्ता या बंदर, लोमड़ी, चूहा, भालू, खरगोश, है ना, भेड़िया, तो ये जब स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं तो उनके लार में उपस्थित ये जो विषाणु हैं वो घाव के माध्यम से उनके शरीर में पहुंच जाते हैं, और इस कारण से रेबीज़ के जो विषाणु हैं वो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। तो रेबीज़ का जो सबसे मुख्य लक्षण है, जैसा हमने देखा कि इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रो शब्द का अर्थ होता है जल,
तो जल से डरने लगते हैं मनुष्य। जो जिनको ये बीमारी होती है उनका जो मुख्य लक्षण है वो जल से डरना होता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तेज बुखार होता है, सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, इस तरह से रोगी व्यक्ति को लक्षण ये सब दिखाई देते हैं। कई बार नाड़ियों के फटने से लकवा भी हो सकता है, गले में अवरोध उत्पन्न होने लगता है जिससे आवाज़ धीरे धीरे निकलती है। रेबीज से बचाव के क्या उपाय हैं? जो भी पशु हैं उन्हें एंटी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। पहले जो एंटी रेबीज का वैक्सीन है उसमें 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, बाद में 5 लगाया जाने लगा, और आजकल जो एंटी रेबीज वैक्सीन है उसका एक ही टीका लगाया जाता है। तो किसी भी कुत्ते से, बिल्ली या बंदर के द्वारा काटे गए व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसे निकट के किसी अस्पताल में जाने की सलाह देना चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू हो सके। और प्रयास करना चाहिए बच्चों कि किसी भी जानवर को ना छेड़ें। इस पाठ में जो हमने सीखा वो है कि हैजा या टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, ये सभी बीमारियाँ संक्रमण युक्त पानी पीने से होती है, और पानी को इसलिए हमें उबाल कर पीना चाहिए। जल और भोजन को ढककर रखना चाहिए। सर्दी या इन्फ्लुएंजा के जो रोगाणु होते हैं वो रोगी के रुमाल या तौलिए के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं। हाथों को बार बार यदि साबुन से धोया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। रेबीज की जो बीमारी है वो रेबीज विषाणु से संक्रमित जो कुत्ते हैं वे अगर स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं तो उन्हें यह बीमारी हो सकती है। रेबीज की बीमारी या रेबीज के उपचार की जो विधि की खोज है उसको लुईस पाश्चर ने दिया था। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, गृह कार्य में आपको दिया जा रहा है कि रेबीज के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। प्रश्न दूसरा कि आपके साथी को पेट में ऐंठन व मरोड़ के साथ साथ पतले दस्त हो रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या और क्यों हुआ है। प्रश्न तीसरा, मक्खियों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। प्रश्न चौथा, इन्फ्लुएंजा किस प्रकार फैलता है। प्रश्न पाँचवा, दस्त तथा अतिसार के जो रोगी हैं उसका प्राथमिक उपचार कैसे किया जाएगा। और प्रश्न छठवां, पेचिस एवं डायरिया में प्रमुख दो अंतर लिखिए। बच्चों, आपको इस पाठ में जो भी समझाया गया है विभिन्न रोगों के बारे में, इन रोगों से हम बहुत हद तक बच सकते हैं यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छे चीज़ों को अपना लें, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना और किसी भी संक्रमित जो व्यक्ति है उनके द्वारा प्रयोग किए गए वस्तु को प्रयोग ना करें, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के शरीर से वह रोग या उस रोग के जो कीटाणु होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकते हैं यदि संक्रामक बीमारी है तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं यदि हम अपने जीवन शैली को अच्छा करेंगे। तो सफाई रखना चाहिए, अपने आसपास स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आप अभी से अपने जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे गुणों को अपनाइए ताकि आपका जीवन स्वस्थ हो, क्योंकि हमने पढ़ा है और हम जानते भी हैं बहुत अच्छे से कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो पढ़ते रहिए बच्चों और खुश रहिए।